तो कौन और लेकर आया था? हाँ आज हम आए, कल राघव भी आए थे। हाँ सबसे निकम्मा तो हुई है ना घर पे, तो हमका लगा कि रोज की नहीं नहीं हमका लगा कि कल की तरह वही आई है हमारे लिए खाना लेकर। हाँ वो जरूर आते हैं, पर वो जब घर पे होते तब ना। तुम तो हमारे लिए इतना सारा खाना लेकर आई हो, तो छप्पन को खाने की क्या जरूरत थी? ये सब अंजोली का रास्ता नहीं है, उसने घर में बना हुआ सारा खाना आपके लिए पैक करा दिया और राघव भैया चकोर भाभी को बाहर भेज दिया। बाहर भेज दिया काहे? अंजोल की इच्छा थी कि राघव भैया और भाभी पूरा दिन एक साथ बिताए। दीदी और राघव एक साथ पूरा दिन? एक साथ वो भी पूरे दिन। अरे आप खाइए ना, और कुछ चाहिए होगा तो बोल दीजिएगा, अंजोर वो भी भिजवा देगी। मैं नहीं खाना। क्यों? क्यों का काम पर लीला, उनका भूख नहीं है। इमली जो है वो राघव की एक अच्छी दोस्त है, और उसने उससे वादा भी किया था कि वो जेल में आएगा मिलने उसे, और इमली ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया, क्योंकि उसका कहना था कि बहुत दिनों से तुम वहाँ पर हो, सो माइट एज वेल आई मीट यू एंड आई गेट समथिंग फॉर यू। और थोड़ा सा वो परेशान भी था, हवेली से निकला था चकोर के साथ, थोड़ी तूतू में हुई थी, तो निकलते निकलते वो गया होगा, फिर उसको दिमाग में आया होगा कि चलो अभी हवेली जाने से अच्छा इसको मिलते हुए जाता हूँ वापस। इमली को हाँ अनडाउटेडली वो प्यार में पड़ गई है राघव के, और राघव ये समझ रहा है कि वो मजाक करती है, उसके साथ फ्लर्ट करती है, बिकॉज़ उसे नहीं मालूम है कि इमली की फीलिंग्स सच में क्या हैं, सो वो भी उसके साथ मजाक में मजाक कर लेता है, तो इस तरह का इनका रिश्ता है। वो सीरियस हो गई तो देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि राघव को चकोर के लिए कुछ फीलिंग्स पिछले एक दो एपिसोड से है, मतलब काफ़ी टाइम से, लेकिन अब उसको थोड़ा समझ भी आ रहा है, बट ऐसा उसने बोला नहीं है और चकोर के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है कि उसके दिल में क्या है, सो लेट्स सी क्या डेवलपमेंट होती है स्टोरी में, इंटरेस्टिंग है।